गेहूं खरीद की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडल उद्योग जैन नालिकर की अध्यक्षता में आयोग सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडल उद्योग जैन नालिकर ने गेहूं खरीद की समीक्षा के दौरान कम गेहूं खरीद पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डिप्टी आरएमओ देवरिया यूवीएसएस गोरखपुर के जिला प्रभारी कर्मचारी कल्याण निगम के प्रभारी तथा एनसीसीएफ संस्था के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र भेजने के निर्देश दिए। मंडल उद्योग ने मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जनपद में 10 सबसे कम खरीदारी करने वाले केंद्रों पर भी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। बैठक में मंडल आयुक्त ने आरएफसी को निर्देशित दिया कि आज तक 37,285 किसानों की खरीद का भुगतान हर हाल में 30 जून तक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में कम गेहूं खरीद के कारणों की जानकारी भी ली। बैठक में चारों जनपदों के आरएफसी अपर जिलाधिकारीगण डिप्टी आरएमओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एक्चुअली मैंने देखा कि यार वैसे कैसे छूट गए, जस्ट कॉल किया तो बोले मुझे बताया ही नहीं है किसी ने। बताया महाराष्ट्र वाले भी है, सबसे कम समय तो यदि 1 बजे कोई आदमी पैटेगा सर। सर एक तो आवक कम है सर हमारे यहाँ, क्योंकि मोस्टली दो तहसीलें हैं जो केला और गन्ना की, तो यहाँ पे सर यही पे हमारी ज़्यादातर खरीद होती है। तो जो हमारे गेहूँ का बेच है सर यही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फोकस भी किया सर। 2-3 एजेंसियाँ हमारी थोड़ी सी परफॉर्मेंस इनका खराब रहा था, कर्मचारी कल्याण निगम एनसीसीएफ का यूपीएसएस भी कम रहा था। यूपीएसएस का 8 है सर, कर्मचारी कल्याण निगम का 4 है, एनसीसीएफ का भी 4 है, तो ये थोड़ा केंद्र निगम के 4 था 30 अप्रैल को सर। उसकी जगह कोई और तो नहीं खोला सर? स्टाफ नहीं था सर। किसके पास? हमारे विभाग में स्टाफ नहीं है सर। आप किस विभाग से? कर्मचारी कल्याण निगम से। आपके पास यदि विभाग नहीं है तो आप इस मुहिम में शामिल क्यों? सर 16 16 जी आपके पास 16 का भी जगह नहीं है? नहीं 16 का लाइक तो थे उसको सर, खाली कटे का गया साथी वो एडमिट हो गया, वो पीजीआई एडमिट था काफी दिन तक। आपको इसमें जेपी आर में कुछ नहीं लगा, आपको कोई और क्राइटेरिया बना देना? नहीं सर कर्मचारी सर नहीं, नहीं वहाँ उस जगह पे जहाँ पे आपका 44 है, इसका कारण क्या है? वो ट्रेन में था सर हमारे यहाँ, और सर शिकायतों के मामले में सर सिंगल शिकायत कहीं से भी नहीं है सर, किसान में खड़ा है और उसका गेहूँ नहीं भेजा जाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मंडी से है। यदि किसान आपके पास भी नहीं आया, किसान यहाँ भी नहीं आया, तो किसान गेहूँ पर बैठ जाए, आप ये कहना चाहते हैं? बताइए आपको 625 की वजह से। सर हम लोगों ने ट्रेडरों को तो सर मोबाइल कराया है और मार्केटिंग का तो सर हमारा टारगेट ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या कहना है कुशीनगर की तरफ?